ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 27 जून 2024, गुरुवार का दिन है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। शतभिषा नामक नक्षत्र होगा तथा कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो वो दक्षिण दिशा में होंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायक सिद्ध होगा। अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध ग्रह मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि वृषभ राशि में, शुक्र ग्रह मिथुन राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक एवं मकर, ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कर्क क्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ नया काम, नई जिम्मेदारी, नया मुकाम भी इनको मिल सकता है। सूर्योदय सुबह 5:40 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 7:05 पर होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन जो सबसे पहला चौघड़िया रहेगा वो सुबह 6:30 से 7:30 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा तथा उसके बाद सुबह 10:30 से 12:30 तक चरका चौघड़िया रहेगा। दोपहर 12:30 से 3:00 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा तथा शाम के समय 4:30 से 6:00 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदे का संयोग निर्मित हो सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस समय उचित ग्रह स्थिति आपका सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। समय का भरपूर सदुपयोग करें। रिश्तेदारों तथा संबंधियों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण योजना बनेगी। धन लाभ होगा। नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप चावल का दान करेंगे आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और कुछ शुभ अवसर भी आपको कार्यक्षेत्र में प्राप्त होंगे। नए वाहन के खरीदने संबंधित योजना बनेगी। यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ घूमने फिरने तथा मनोरंजन में अपना समय व्यर्थ नष्ट न करना चाहिए। इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं, रुक सकते हैं और उपाय के रूप में यदि आप चने की दाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके दिनचर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी मानसिक व शारीरिक थकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे। आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाय के रूप में भोजन में हरी सब्जी का उपयोग करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी, लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फायदा देगी और विरोधी आपके सामने
परास्त हो जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है तथा धन लाभ के उत्तम अवसर आपको मिल सकते हैं। उपाय के रूप में दूध का दान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर के संबंधित कोई कार्य योजना आपकी तैयार होगी, नया घर आप खरीद सकते हैं या नई प्रॉपर्टी आप खरीदने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी, परिवार के साथ अधिकतम समय आपका व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में यदि आप मसूर की दाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फायदा होगा और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। रिश्तेदारों के किसी विवादपूर्ण मामले में आपकी उपस्थिति निर्णायक रहेगी। आपकी बुद्धिमानी, चतुराई व सूझबूझ की तारीफ होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको मान तथा सम्मान भी प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने, जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूझबूझ तथा सोच विचार की क्षमता प्राप्त होगी। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी तथा रिश्तेदारों की आवाजाही बनी रहेगी। और उपाय के रूप में किसी भी ब्राह्मण को या साधु संत को गुड़ और तिल का दान करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धार्मिक कार्यों में आपका विशेष रुझान रहेगा तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे। आपका रुतबा बने रहेगा और लक्ष्य के प्रति आप एकाग्रचित्त रहेंगे। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। नया वाहन, नई वस्तु खरीदने के विषय में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। उपाय के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके स्नान करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका नारंगी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपका रुझान रहेगा। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की खरीद फरोख्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंभीरतापूर्वक विचार करें। इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में है। किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कार्रवाई आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ करके ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए। उपाय के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी। और अध्ययनरत बच्चों को अपनी मेहनत के मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे, जिससे उनका हौसला और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ने वाला है। उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड़ का दान करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा, भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। इस समय ग्रह गोचर आपके अंदर भरपूर मनोबल व आत्मविश्वास पैदा करेंगे। सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। आपको नौकरी में नया काम, नई जिम्मेदारी मिलने का योग है। पदोन्नति भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपको स्वभाव में सौम्यता व आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा। उपाय के रूप में किसी भी ब्राह्मण को यदि आप चावल और दाल यानी खिचड़ी का दान करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज दिनचर्या में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में आप समय व्यतीत करेंगे। इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। ससुराल पक्ष से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा।
तो मित्रों यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।